दुर्गा पूजा का इनॉग्रेशन हुआ और पार्षद सचिन सिंह क्या बोलेंगे इनके बारे में? सचिन सिंह, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं मधुमिता गुप्ता हूँ और आप लोग सुने थे सचिन कंटिन्यू मधु गुप्ता बोल रहा था बिकॉज ऑफ आप जो ये इंट्रो आप सचिन सिंह के बारे में सुनने मांगे, द रीज़न इज मधु गुप्ता इसलिए बोल रहा था कि वो मेरे को बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। सो मधुमिता को मधु करके छोटा करके प्यार से बुला रहा था। सो इसी से ही समझ में आता है कि हम लोग का बॉन्डिंग कैसा है और वो इंसान कैसा है कि एक लड़की होके मैं उसके साथ इतना अच्छा दोस्ती में हूँ। सो वो एक ऐसा लड़का है कि मुझे अभी भी याद है जब वो काउंसिलर बनने वाला था। सो वो फर्स्ट डे मैं और मदनदा स्टेज पे आई थी। सो अभी भी मुझे याद है कि वो तब भी जो सचिन था, आज भी ये वार्ड का काउंसिलर बनने के बाद वही सचिन है। और इतना डाउन टू अर्थ काउंसिलर मैंने तो नहीं देखा और अभी भी वैसा ही दोस्ती नहीं भूला, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला। सुनिए, वो ऐसा काउंसिलर है, आज उसका प्लेस ऐसा है, इतना अच्छा, सबके साथ उसका उठना बैठना है। वो चाहे तो एक से एक एक्टर एक्ट्रेस लोग को बुला सकता है। सो वो चाहे तो बॉलीवुड से भी बुला सकता है, मैं सचिन को जानती हूँ। लेकिन मुझे आज बुलाया गया है, ये मेरे लिए बहुत मतलब वो फ्रेंड मानते हैं और वो इतना अच्छे इंसान है तो सबको इतना मान के बुलाते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज इधर है। तो वो वैसा ही लड़का है, उसका और अलग से डिस्क्रिप्शन देने का। कौन से मूवी में आप ये काम किया? मैं राजेश शर्मा, राजेश जी आप लोग सबको पता है, बॉलीवुड एक्टर, उनके साथ मेरा लीडिंग था। लास्ट मेरा मूवी गया ऑनलाइन हॉबे, जो थिएटर में भी चला था। अभी मेरा एक आइटम सॉन्ग आने वाला है, जो शायद आशा करती हूँ माँ दुर्गा का कृपा से वो ये फर्स्ट जैन में न्यू ईयर में वो लॉन्च होने वाला है, वो सोनी से होने वाला है। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपको दिल को छूता है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स? माँ का इधर आई हूँ तो माँ का ही सॉन्ग एक बोल सकती हूँ। माँ का इधर हूँ तो कोई सॉन्ग तो बहुत है, लेकिन माँ का इधर हूँ तो दो लाइन में माँ के लिए ही गाना चाहती हूँ। बजा कशुर बजा उलू दे अर्शक बजा बछुर पड़े अबारे लो माजे पुजो पुजो गंध निये नतुन गानेर छंद निये सारो दिया खुशीते मन बाजे एलो 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 मा दुर्गा मा दुर्गा मा। आज के 36 নম্বর ওয়ার্ডের এই বেলেঘাটাতে পূজোতে এসে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। আর সচিন যেমন মধু গুপ্তা বলল যে খুবই ভালো ফ্রেন্ড হয়, আমারও খুবই ভালো ফ্রেন্ড হয়, মানে এতটা হেল্পফুল সচিন। মানে আমি যে কোনো প্রবলেমে পড়লে সবার আগে আমার মনে পড়ে সচিনের কথা, যে উনি এমন একজন মানুষ যে পাশে থাকবে সবসময়, খুব হেল্পফুল। আর এত সুন্দর পুজো হচ্ছে, আপনাদের যেমন জানা নেই হয়তো যে এই ওয়ার্ডে সব রকম কাস্টের লোকজন একসাথে থাকে, তাও এখানে এত সুন্দর করে দুর্গা পুজো হয়। আর এই থিমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কি সুন্দর বাঁশের একদম নিখুঁত কাজ রয়েছে। তো সেই মায়ের এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। চরকিতে আর সাথে সাথে আজকে টি সিরিজে আমার একটা পুজো মায়ের মাকে নিয়ে একটা গান বেরিয়েছে, টি সিরিজে রিলিজ হয়েছে, গানটার নাম হচ্ছে শরতে।